तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले जो है तोता पकड़ा था, ये रहे तोते। तो अभी हम इसमें से एक तोता जो है उसको निकालेंगे बाहर और उसके थोड़े थोड़े जो है पर काट देंगे ताकि वो उड़ ना पाए। उड़े बस हल्का, थोड़ा बहुत उड़े। तो अभी हम निकाल लेते हैं और मैं आपको बाद में बताऊँगा हमने पंख क्यों काटे इसके। तो अभी फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग एक तोता जो है निकाल लिए और इसके जो है पर अब काटना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है तो वही हम लोग बस ज़रा ज़रा से काट रहे हैं ताकि ये उड़ ना पाए। और जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम लोग काट रहे हैं पर। तो दोस्तों, हम लोग इसका जो है पर काट रहे हैं अभी। पर हम लोग इसका इसलिए काट रहे हैं ताकि हम इसको जो है पालतू बना सकें, और यदि अगर इसका पर जो है अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो ये उड़ सकता है, भाग सकता है यहाँ से। तो इसीलिए हम लोग इसके पर जो है छोटे छोटे काट रहे हैं अभी। और जो ये तोता है कई दोस्तों, ये तोता जो है ये जंगली तोता है। अगर हम इसको छोटे पर से अगर पाले होते तो ये शायद पालतू बन जाता, लेकिन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पालतू बन जाए। अगर बन जाएगा तो सही है, नहीं बनेगा तो हम इसको खुद ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो दोस्तों, हमारा जो तोते का पर है वो लगभग कट के जो है कंप्लीट हो गया है। तो भी यहाँ पे तोता जो है काटने के लिए बहुत तेज़, वो एग्री मतलब गुस्सा में था। अगर पाता हाथ वाथ तो सब काट लेता, लेकिन हम लोग हाथ उससे दूर रखे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो तोता का पैर है उसमें एक धागा बांध के इसको चेक करेंगे ये उड़ता है या नहीं उड़ता है। तो अभी हम लोग इसमें धागा बांध रहे हैं, आप देख सकते हैं। इससे जो है ना, अगर प्लास्टिक का रहेगा तो प्लास्टिक का जो धागा रहेगा वो पैर काट देगा, लेकिन ये रेशम का धागा, इससे पैर नहीं कटेगा। दूसरे वाले पैर में हम लोग बांध देते धागा तो वो पैर जो है काट दिया था। अभी हम आपको दिखाएँगे कितना उसमें चोट लगा है। अभी देख सकते हैं आप, वहाँ पर जहाँ पे धागा बंधा था वहाँ पर बिल्कुल लाल हो गया था एकदम कट के, आप देख सकते हैं लाल हो गया था कट के। तो इसलिए हम लोग प्लास्टिक वाला जो धागा है उसको निकाल रहे हैं, बाकी रेशम का धागा हमने बांध दिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है कैंची की मदद से धागा को जो है काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा धागा जो है वो अभी कट कट गया है, लगभग ये कट गया हमारा जो धागा है। तो हम तोते के जो पैर से धागा निकाल लेंगे, बाकी भी हम तोता का जो है छोड़ेंगे, देखते हैं उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग तोते के जो है छोड़ने चले। तो दोस्तों, हम लोग तोता जो है छोड़ने, उड़ने के लिए तो उड़ रहा है लेकिन ज़्यादा तो ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ पा रहा है, बहुत जरा जरा से उड़ रहा है। तो हमें लगता है कि जो तोता है वो पालतू बन सकता है अभी। तो दोस्तों, पर काटने के बाद भी ये अच्छे से उड़ पा रहा है। जैसे अगर किसी पक्षी का पर काट देंगे तो वो नहीं उड़ पाता है, लेकिन ये उड़ ले रहा है अभी। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि उड़ रहा है, कैसा देख सकते हैं। और हम इसका पैर जो है रस्सी से बांधे हुए हैं कि भगे ना, अगर उड़ भी नहीं पाएगा और अगर कुछ दूरी तक उड़ के गया तो वैसे भी अगर कहीं गिर गया तो जल्दी उड़ नहीं पाएगा, बाकी जो जानवर हैं उसे खा जाएंगे। तो अभी जो तोता है वो तोता उड़ के दूसरे खेत में चला गया था। तो हम लोग जो अपनी रस्सी थी वो खोल दिए थे, देख रहे थे कितना दूर जाए उड़ के जाएगा। तो ज़्यादा दूर नहीं गया था, बस मैं जहाँ तक आंकड़ा था 50-60 मीटर दूरी पे गया था उड़ के, बस इतना ही गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।